सवाल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं वैश्य तिवारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, तो चलिए सीधे आपको सदन ले चलते जहां पर सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। लेकिन उन्होंने आम जनता से जुड़कर किसान मजदूर आदिवासियों के बीच रहकर उनके सुख दुख बांटने का काम करती रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, वे मध्य प्रदेश में मंत्री थी, लेकिन हम लोगों ने एक संगठक के रूप में उसे देखा। कांग्रेस संगठन को सरगुजा में जड़े गहरी जमाने में आज जो गहरी है उसमें सबसे बड़ा योगदान राजमाता जी का है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनका वात्सल्य, उनका आशीर्वाद हम सबको मिला है। उनके जो संस्कार दिया उन्होंने अपने बच्चों को, परिवार को और समाज को, उसके प्रतीक के रूप में हम लोग पीएस सिंहदेव के रूप में देख सकते हैं, जो हमारे साथ मंत्री हैं और संघर्ष के साथी रहे हैं। उस समय भी उनका स्नेह और मार्गदर्शन हम लोगों को लगातार मिलता रहा है। उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति छत्तीसगढ़ को हुआ है। भले वो शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका उनके बताए हुए रास्ते, उनके स्नेह, उनके विचार हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सिद्धेव परिवार के साथ लाखों परिवार उनसे जुड़े हुए थे, उनको दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पूरे प्रदेश के 2,80,00,000 जनता की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा विधायक और मंत्री रहे एक ममतामयी मां के रूप में राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंह जी को हमने खोया है। उनके मातृत्व की विशालता का प्रभाव हम सबके जीवन में सदा के लिए रहेगा। उनके निधन से जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो शून्यता आई है उसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। वो राजनीतिक जीवन में शुचिता के प्रतीक के रूप में युग में याद की जाएगी। उनका दीर्घकालीन राजनीतिक व सामाजिक जीवन हम सबको मार्गदर्शित करता रहेगा। सन 1972 व 80 में अंबिकापुर और बैकुंठपुर से विधायक रहे। अविभाजित मध्य प्रदेश की सरकार में वित्त, आवास व सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे और उस समय अपने दायित्वों के निर्वहन में मुख्य रूप से किसानों को लेकर के और आम जो नागरिक है, गरीबों, उनके प्रति उनके मन की जो संवेदना जो रही है और उनके लिए उन्होंने जो जीवन में काम किए हैं। वास्तविक में ऐसे परिवार में जन्म हुए जहां शिमला से लेकर के राज परिवार से लेकर के और हमारे सरगुजा राज परिवार, ऐसे परिवार में मुख्य सचिव के रूप में स्वर्गीय मदनेश्वर शरण जी के अर्धांगनी के रूप में और साथ ही आज बाबा साहब यहां पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका स्नेह और उनका संस्कार है। ये संवेदनशील राजनीति सदा छत्तीसगढ़ के प्रगति के लिए सतत रही। उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में सिंचाई, कृषि जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं का विस्तार हुआ और कई भी मध्य प्रदेश के इस महत्वपूर्ण कार्य हुए। उनके जीवन के जुड़े कई प्रेरक प्रसंग हैं जो हम सभी को सामाजिक जीवन में कार्य करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती रहेगी। पारिवारिक कार्यक्रमों में मिलने का अवसर भी प्राप्त हुआ और उनका स्नेह भी हम सब लोगों को मिला है। एक बार एक राजनीतिक आंदोलन के दौरान में लाठीचार्ज होने से राजमाता जी को चोट भी आई, लेकिन अस्पताल जाने के बजाय वो सीधे जेल में गई और जो कार्यकर्ता है उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए उन्होंने उनके मनोबल को ऊंचा किया, जो कार्य किया। आज हम ऐसे राजमाता को
जिनके जीवन की सादगी, समर्पण, सुचिता, समग्रता, सामाजिकता के प्रणेता के रूप में हर युग हर सबके बीच में एक करुणामय माँ मौजूद रहेगी। मातृशक्ति के प्रतीक स्वर्गीय राजमाता देवेंद्र कुमारी जी सिंहदेव को मैं अपने ओर से, दल की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे पुण्यात्मा जीव को जो हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियाँ इनके लिए काम करती रही, भगवान अपने चरणों में स्थान दें। साथ ही ऐसे परिवार को इस असह्य दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। डॉक्टर रमन सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वर्गीय देवेंद्र कुमारी सिंहदेव राजमाता के बारे में जो अपनी भावना व्यक्त की, मैं अपने आप को उससे संबद्ध करता हूं। उनकी लोकप्रियता और उन्हें उस पूरे क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लोग या पूरे देश के लोग कितने सम्मान करते हैं, उनके श्रद्धांजलि सभा में जब मैं उपस्थित हुआ तो एहसास हुआ कि प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की सीमा, मध्य प्रदेश की सीमा और पूरे देश से अलग अलग हिस्से से न जाने हजारों लोग वहाँ उपस्थित हुए और सरगुजा के लोगों को मैंने देखा आँख से आंसू निकलते। उनका ममतामय, उनकी चेहरा, उनका व्यक्तित्व, उनकी सरलता, उनकी सादगी निश्चित रूप से एक अलग अलग रूप में उन्होंने अपने आप को सफल साबित किया। एक मंत्री के रूप में उन्होंने एक भूमिका निभाई, संगठक के रूप में उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया और निश्चित रूप से उस क्षण को हम याद करते हैं। और जो भावना आपने व्यक्त की, मैं अपने आप को जोड़ते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चंद्राकर जी। चंद्राकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किन्हीं कारणों से अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा, मैंने कारण माननीय को अवगत भी करवाया। मैं 21 तारीख को सरगुजा जाने के लिए बाई रोड निकल रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय राजमाता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। कुछ ऐसी घटना घटी कि मैं जा नहीं पाया और 22 तारीख को जब उनके 13वीं का कार्यक्रम हो रहा था तो मेरे परिवार में ही किसी का फ्यूनरल हो रहा था और मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजमाता सिंधिया की जीवनी का नाम है राजपथ से जनपथ तक, जनपथ तक। एक ऐसी ममतामयी माता थी जिन्होंने बिल्कुल, राजमाता का ही उदाहरण हमारे बीच में मिलता है, जिन्होंने ऐश्वर्य आराम की जिंदगी, एक सुविधापूर्ण जिंदगी छोड़कर जनता की सेवा का मार्ग चुना, वंचितों गरीबों की सेवा का मार्ग चुना। सरगुजा को ही नहीं, छत्तीसगढ़ को उनकी उपस्थिति का लाभ मिला और दूसरे तौर पर उस दौर में बहुत सारी वर्जनाओं को तोड़ते हुए महाराजा साहब ने जो शासकीय सेवा का चयन किया, उन दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की एक बेमिसाल सेवा की और अपनी सिर्फ भौतिक उन्नति के लिए काम नहीं किया बल्कि पीड़ित वंचित को उनकी क्षमता, उनकी योग्यता का लाभ मिले, इनके लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजमाता जी की का हमारे बीच में नहीं रहना एक परिवार की, एक स्टेट की नहीं, राज्य और सार्वजनिक जीवन की बड़ी क्षति है, एक बड़ी शून्यता है। बहुत मजबूत और सक्षम आदमी है टी.एस. सिंहदेव साहब और उसका परिवार, भगवान उनको शक्ति देगा। और इस घड़ी में मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओर से, परिवार की ओर से, अपने दल की ओर से, सबकी ओर से माता जी के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और ऐसे निजी क्षणों में हम कुमार सिंहदेव साहब, महाराजा साहब के साथ, मंत्री जी के साथ खड़े हैं। वो एक यशस्वी माता पिता के यशस्वी संतान हैं, उनकी एक गौरवमय परंपरा को हर क्षेत्र में हर क्षण आगे बढ़ाएंगे, इस भावना के साथ मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव हमारे बीच नहीं रही, मैं
अपने दल की ओर से उनको श्रद्धा सुमन। छत्तीसगढ़ सदन की कार्यवाही चल रही थी।